मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन? मणिपुर हिंसा का दर्दनाक वीडियो आया सामने। मणिपुर हिंसा पर सरकार चुप। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस के तीखे सवाल। मणिपुर जल रहा है लेकिन सरकार सो रही है। मणिपुर जल रहा है लेकिन गृह मंत्रालय चुप है। मणिपुर जल रहा है लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। मणिपुर से जो तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कहाँ है हमारे देश का सिस्टम? कहाँ है हमारे देश का गृह मंत्रालय? आखिरकार अब क्यों ही सरकार की चुप्पी तोड़ रही है? चुप्पी टूटे भी तो कैसे, क्योंकि सरकार वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की है, वहां के मुख्यमंत्री जो हैं, जी हां, बीजेपी से। मणिपुर हिंसा की जो घटना सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन आज तमाम विपक्षी पार्टी के नेता, आज तमाम विपक्ष यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार मणिपुर हिंसा पर सरकार की चुप्पी क्या ये नहीं बताती कि सरकार पूरे मामले को, जी हां, पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, वो खबर दिखाएंगे कि कैसे मणिपुर जल रहा है। और आज सवाल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूछ रहे हैं लेकिन बीजेपी का आईटी सेल चुप है। आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद और मंत्री चुप है क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा है। मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार क्या वाकई बीजेपी है? और क्या मणिपुर जलता रहा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा करते रहे, मिस्र की यात्रा करते रहे? मणिपुर में लोगों के घर जल गए, मणिपुर में बच्चे अनाथ हो गए, इनका मुआवजा क्या सरकार देगी? क्या सरकार जो है ये तमाम मुद्दों को सुलझाकर सीधे सीधे तौर पर अपनी गलती मानेगी? विपक्ष क्या कुछ कह रहा है देखिए। मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इसे निंदनीय बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आप प्रमुख और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। केजरीवाल ने कहा, मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। मणिपुर हिंसा में अब तक 120 लोगों ने जान गंवा दी है, हजारों लोग घायल हुए हैं और हजारों में ही लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं के उत्पीड़न पर के मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगर मणिपुर जा सकते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मणिपुर के मामले में पूरा देश देख रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ना जाने क्या क्या बयान देते रहे लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला। लोकसभा चुनाव 2024 पर बात करते हुए उन्होंने ने कहा कि सत्ता में जो आए हैं उनका जाना तय है, जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर से जो वीडियो सामने आया है वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। मणिपुर में हिंसा के मामले को विपक्षी नेताओं ने बेंगलुरु की बैठक में भी उठाया। अगर ऐसी कोई घटना विपक्ष शासित किसी राज्य में होती तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां घुस जाती। संसद के मानसून सत्र में यही मुद्दा उठाया जा रहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी विपक्ष के लोगों को गालियां दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकजुटता पर कहा कि बीजेपी वालों को लग रहा था कि विपक्ष एक नहीं हो पाएगा, मगर हम सब एकजुट हो गए। बेंगलुरु में बैठक हुई, अब मुंबई में होने वाली आगामी बैठक में चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी।
ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी आखिरकार आप क्यों चुप रहे। मणिपुर से घटना सामने आई, एक महिला को अर्ध नग्न कर दिया गया, उसको सरेआम घुमाया गया, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुप्पी टूट रही है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोल रही है कि यह घटना ठीक नहीं। अरे सिलेंडर वाली मैडम, आप उस वक्त कहां थी जब मणिपुर में आग लगनी शुरू हुई थी, जब मणिपुर धड़क रहा था? उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आया, किसी भी नेता के मुंह से जवान से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन आज तमाम नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं मणिपुर हिंसा पर राजनीतिक पार्टी, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा और सरकार को घेरते नजर आए। देखिए केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे हैं। अगर देश में हालात सरकार से संभल नहीं रहे, मणिपुर नहीं संभल रहा, तो क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्योंकि विपक्षी पार्टियां अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि अब सड़क पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के कान में जूं ऐसे नहीं रहेंगे। तो क्या अब विपक्ष अगर सड़कों पर उतर जाता है, तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? और मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन? मैं बार बार यही सवाल देश की जनता से पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जनता अपनी बात जरूर रखे और यह बताए कि मणिपुर में अगर आग लगी है, तो क्या यह सीधे तौर पर नहीं बताता कि इस आग का असली जिम्मेदार सरकार है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्पेशल प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।